मैं विनोद शर्मा, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी। आज जो प्रेस वार्ता हमें करनी पड़ रही है वो इसलिए है कि अब डिपार्टमेंट की तरफ से एक रैशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया। पिछले दिनों भी इस पर एक्सरसाइज हुई, उसमें जो PTR उन्होंने रखी थी वो 1:10 थी कि एक टीचर 10 बच्चों पे एक टीचर हो, लेकिन कल दोबारा एक उसमें मॉडिफिकेशन होके आज आ गई जी 15 बच्चों पे एक टीचर जो है वो काम करेगा। मिडिल स्कूलों में जहाँ 50 तक बच्चे हैं वहाँ 4 टीचर काम करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से कि आप चाहते क्या हैं कि जो गरीब बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं इनको तालीम मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। रिसेंटली इसी साल एक नया कंसेप्ट आया कि सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट की जाएंगी, नर्सरी से क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 38,000 जो न्यू एडमिशन्स सरकारी स्कूलों में हुई हैं, प्री प्राइमरी जो बच्चे जो स्कूलों में आए हैं, आज आप एक टीचर रखेंगे 15 बच्चों पे, वो बताइए अगर उन 15 बच्चों में 6 बच्चे प्री प्राइमरी के हैं जो 2.5 से 3 साल के हैं, तो वो टीचर उनको वॉशरूम ले जाएगा, उनको रोटी खिलाएगा, उनको पानी पिलाएगा, उनकी केयर करेगा, या जो 10 बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए उसको लगाया गया है उनको पढ़ाएगा, या मिड डे मील बनाएगा, डाके बनाएगा, आप बताइए करेगा क्या वो? आप एक टीचर को टीचर रखना चाहते हैं कि चौकीदार बनाना चाहते हैं? आपका मानना सही है कि एक चौकीदार जो है वो 15 बच्चों को संभाल सकता है, लेकिन एक टीचर जो है वो 15 बच्चों को अकेला इन एडिशन टू दीज ड्यूटीज वो नहीं कर सकता है। आज आप ये देखेंगे समरी रिवीजन चल रही है इलेक्शन के, उसमें इलेक्टोरल समरी रिवीजन जो चल रही है उसमें BLOs हमारे लगे हुए हैं 40 दिन के लिए, उनको बिल्कुल स्कूल से बाहर उनको रहना है क्योंकि उनको डोर टू डोर जाकर सर्वे करना है। जो स्कूल में बाकी टीचर एक छोड़ेंगे उसको BLO का काम भी करना है, मिड डे मील भी चलाना है, डाक भी चलाना, प्री प्राइमरी के बच्चों को रखना भी है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं दोबारा आपके माध्यम से, मुझे नहीं समझ आ रहा कि सीओ साहब करना क्या चाहते हैं। ग्राउंड पे आए, आप स्कूलों में जाके देखें। मेरी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी गुजारिश है हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी से, DC उधमपुर हैं इनसे मेरी गुजारिश है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे आज आलोक कुमार जी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इसमें आप पर्सनली जो है इंटरवेन करें। एक तरफ से मिड सेशन है, मिड सेशन में आप इस तरह का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो वो पढ़ाई जो बच्चों की एक पढ़ाई एक एफिशिएंट होने के बजाय वो बिल्कुल मैं कहूँगा तबाही हो जाएगी, जिसका खामियाजा जो है वो आज इन बच्चों गरीब बच्चों को जो है वो भुगतना पड़ेगा। 38,000 न्यू एडमिशन्स हुई हैं, आगे आने वाले साल में आप क्या चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे ना आए? हम ये कहते हैं कि आप रैशनलाइज करिए, PTR आप देखिए, अगर आप नेशनल लेवल की PTR से कंपेयर करना